और दोस्तों क्या हाल चाल है। सबसे पहले जो मेरी पुरानी वीडियो थी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत से लोग बोलते हैं रातों रात आप जो ब्लॉगिंग में लाखों रुपए कमाना शुरू कर सकते हो उसमें कितनी सच्चाई है, तो वो वीडियो बहुत से लोगों ने देखा है और इनफैक्ट अभी तक की वो जो वीडियो है मोस्ट वॉच्ड वीडियो है। उसके अलावा जो उस वीडियो में बहुत सारे अच्छे कमेंट्स वगैरह आए हैं, बहुत से लोगों ने लाइक किया है और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने उसको वीडियो को दबा के यानी कि अंधाधुन डिसलाइक किया है। और उन लोगों ने ये भी लिखा है कि यार अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी आसान है, और अगर बेसिकली आई थिंक संदीप महेश्वरी की वीडियो देख कर आए थे, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मेरी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने सब कुछ उल्टा दिखा बेसिक, क्योंकि मैंने जो बात की थी मैंने सच्चाई के ऊपर की थी, मैंने कोई जो फॉल्स होप्स या फॉल्स जो है ड्रीम्स वगैरह नहीं दिखाए थे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली हर चीज़ें मतलब जो वीडियो का पर्पस था वो किसी को डीमोटिवेट करना नहीं था, कुछ लोगों ने उसको उस सेंस में लिया कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने डीमोटिवेट नहीं किया था, मैं सिर्फ जो फैक्ट्स बता रहा था कि कितनी सच्चाई है ब्लॉगिंग में, कितना कॉम्पिटिशन है एंड सो ऑन। तो ये वीडियो जो होने वाली है ये थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे ब्लॉगिंग प्लस जो यूट्यूब पे अगर करियर है उन दोनों में से अगर आपको स्टार्ट करना है तो कौन सा आसान है, किसमें कितना जो कंपटीशन रहता है, और इनिशियली कौन सा जो है आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगता है किसमें कम लगता है, तो बेसिकली इन सब कुछ 5-7 पैरामीटर्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो मेरी राय है पर्सनल वो दूंगा आपको। अगेन ये जो मेरी पर्सनल राय है वो जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर ही एक्चुअली बनी है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ जस्ट यू नो अपना अजम्पशन किया या कुछ इसमें अपना परसेप्शन बनाया। तो वीडियो को सबसे पहले जो डिटेल में बात करें उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो वीडियो है इसमें टॉप जियोग्राफी में पाकिस्तान भी आ रहा है, यानी कि जो वीडियोज़ हैं पाकिस्तान में भी देखी जा रही हैं, पाकिस्तान के लोग भी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप देख सकते हो कि जो आप कोई भी नॉलेज वगैरह शेयर करते हो वो जो कोई भी बाउंड्रीज होती है उससे परे होती है, आपकी वीडियो जो है अगर आप अच्छी वीडियो बनाते हो या आप अच्छे क्रिएटर हो, आप आर्ट वगैरह करते हो, तो आपकी वीडियो जो है हर ऑडियंस हर टाइप की ऑडियंस जो है आपकी वीडियो देखेगी। एक चीज़ और जो है इंटरेस्टिंग चीज़ कि पहले जो फीमेल ऑडियंस था वो ऑलमोस्ट 2 या 3% था, वो स्लोली इंक्रीज़ हो गया 16% के आसपास आ गया, विच इज़ गुड, ताकि जो एटलीस्ट मेरे चैनल के ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि दोनों टाइप के जो ओपिनियन हैं बोथ द जेंडर से वो मुझे मिलते हैं, आई कैन सी देयर फीडबैक, उसके बेसिस पे मैं जो अपनी चैनल का कंटेंट वगैरह वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता हूँ। एक चीज़ जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है कि यार 97% जो ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने वीडियो जो वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, तो यार प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई इसमें खर्चा पानी नहीं लगता वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने में। अब शुरू करते हैं कंपैरिजन जो है अपना ब्लॉगिंग वर्सेस यूट्यूब का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर दोनों में आपको स्टार्ट करना है तो इनिशियली जो खर्चा पानी कितना लगता है, तो YouTube की अगर मैं बात करूँ YouTube में आपका खर्चा लगता है ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज आपको सिर्फ अपना YouTube अकाउंट बनाना है, उसके बाद आप वीडियो डालनी शुरू कर सकते हो, और वीडियो बनाने के लिए आई थिंक बेसिक जो फ़ोन है जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सको वो आज की डेट में हर किसी के पास है, और जो जितनी भी बेसिक वीडियो एडिटिंग वगैरह है उसके भी फ़ोन पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो और अपनी वीडियो वगैरह आप एडिट करके अपलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं ब्लॉग्स की। अगर आपको ब्लॉग पे काम करना है तो सबसे पहले तो आपको एक वेबसाइट चाहिए होगी, आपको एक कस्टम डोमेन चाहिए होगा, आपको जो है वेब होस्टिंग चाहिए होगी, आपको SSL चाहिए होगा, आप अगर कुछ कस्टम पेजेस वगैरह क्रिएट करवाना चाहते हो और आपके पास खुद नॉलेज नहीं है तो आपको वो बनवाने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा, तो बेसिकली आपको जो इनिशियली अच्छा खासा एक अमाउंट चाहिए होता है। अगर मैं बोलूँ कम से कम भी आपको अगर आप ब्लॉग्स वगैरह में करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर चाहिए होगा, ये मैं बिल्कुल बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि आप जो 1 से 2 साल के लिए डोमेन होस्टिंग वगैरह लोगे, उसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि अगर आपने लेसे एक बार स्टार्ट तो कर लिया उसके बाद इन चीज़ों को मेंटेन करना कितना आसान है, तो यूट्यूब पर अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूब को मेंटेन करना बहुत आसान है, बिकॉज यूट्यूब जो है वो प्लेटफॉर्म पूरे का पूरा यूट्यूब मैनेज करता है, यानी आपको कुछ नहीं करना है उसमें। अगर YouTube डाउन होता है तो YouTube की रिस्पॉन्सिबिलिटी है YouTube को अप करना, अगर YouTube में कोई वल्नरेबिलिटी आती है या YouTube अगर हैक हो जाता है तो YouTube का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब चीज़ों को चेक करना, अगर आपका चैनल हैक हो जाता है किसी रीज़न की वजह से तो आपको सिर्फ YouTube को कॉन्टैक्ट करना है और YouTube आपका जो इशू फिक्स करेगा आपका चैनल को रिकवर करेगा। अब बात करते हैं ब्लॉग्स की या वेबसाइट की,
तो वेबसाइट क्योंकि आपने बनाया है तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। अगर आपकी वेबसाइट पे डीडॉस अटैक हो जाता है, सिक्योरिटी अटैक हो जाता है, कुछ भी होता है, तो आपको अपनी वेबसाइट जो है खुद से फिक्स करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी किसी से। यानी कि इसको अगर मेंटेन करना है तो आपको थोड़ी बहुत तो यार वेबसाइट मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है उस केस में आपका जो बेसिकली आपको ये काम जो है आउटसोर्स करना पड़ेगा किसी को, जो कि अगेन आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, उसको इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा आप बात करते हैं कि जो खर्चे हैं वो कितने होते हैं। अगर इनिशियली तो आपने जैसे वेबसाइट वगैरह सेटअप कर लिया और उसके बाद पहले एक दो साल तो आपका खर्चा नहीं रहेगा, उसके बाद अगर आपका जो डोमेन है उसकी बेसिकली एक्सपायरी आ जाएगी, उसके बाद जो आपको डोमेन रिन्यूअल करना पड़ेगा या होस्टिंग प्लेटफॉर्म रिन्यूअल करना पड़ेगा, या आपको SSL अगर आपने लिया है, ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया, तो आपको SSL रिन्यू करना पड़ेगा। कुछ अगर आपने कस्टम प्लगइन्स खरीदे हैं तो आपको वो प्लगइन्स के रिन्यूअल करने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो यानी कि आपको अगर वेबसाइट को चलाए रखना है और उसको सालों तक चलाए रखना है तो उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है वो आता रहता है। अगर YouTube में इसी चीज़ की बात करूँ तो अगेन इसमें जो कॉस्ट है बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि YouTube अगेन जो अपना प्लेटफॉर्म है वो मेंटेन रखेगा, तो आपका जो इसमें कॉस्ट कोई नहीं आएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल जो है इन प्लेटफॉर्म पे वो आपका कितना रहेगा। तो YouTube पे अगर बात करूँ तो YouTube के प्लेटफॉर्म पे आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा ज़ीरो कंट्रोल है। YouTube जो है अपने एल्गोरिदम चेंज कर देता है तो उसकी वजह से आपके जो व्यूअर्स हैं या तो सडनली डिक्रीज होना शुरू कर सकते हैं, या जो आपके सब्सक्राइबर काउंट्स हैं उनमें ड्रॉप आना शुरू हो सकता है, और वेरियस अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि YouTube एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेगा और उसका जो इम्पैक्ट है आपके चैनल पे होगा। वेयर एज अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो वेबसाइट आपके पूरे कंट्रोल में होती है, आप पूरा उस वेबसाइट को ऑन कर रहे होते हो, आप उसमें अपने डिसीजन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका आपने कुछ उस पर प्रमोशन वगैरह लगाए हैं तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। वेयर एज अगर आपने देखा हो YouTube बहुत से पॉलिसीज लेकर आता रहता है, इनफैक्ट ऐड के रिगार्डिंग भी पहले पॉलिसी थी कि एक वीडियो में आप इतने नंबर ऑफ ऐड लगा सकते हो, उसके बाद वो नई पॉलिसी लेकर आए कि अगर 10 मिनट से बड़ी वीडियो होगी तो ही आप जो मिड ऐड रोल लगा सकते हो, फिर उन्होंने नई पॉलिसी लेकर आए कि 8 मिनट से की वीडियो होगी तो भी आप लगा सकते हो। यानी कि आप देख रहे हो बेसिकली जो कंट्रोल है आपके हाथ में नहीं है, YouTube का पूरा कंट्रोल जो है YouTube के हाथ में है। इनफैक्ट अगर 3 आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा अगर आपको आना है तो इट इज़ अ वेरी बिग हेडेक। तो YouTube में मैं बोलूँगा बिल्कुल ही ज़ीरो कंट्रोल है, और ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपका, पूरा आप प्लेटफॉर्म अपना जो है वो मैनेज करते हो अच्छे से। अब बात करते हैं यार ईज़ ऑफ यूज़ किस में है। तो ईज़ ऑफ यूज़ अगर मेरे से पूछो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल चॉइस के। अगर आपको लगता है कि आप जो है लिखना राइटिंग वगैरह आपके लिए ईजी है तो उस केस में आप बोलोगे ईज़ ऑफ यूज़ जो है वो आर्टिकल्स लिखने में, यानी कि वेबसाइट वगैरह को मैनेज करने में या चलाने में है। वेयरएज अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप बोलोगे कि यार यूट्यूब जो है ईज़ ऑफ यूज़ करने में यूट्यूब बेटर है। तो ये थोड़ा सा ये मैं 50-50 इसको बोलूँगा, डिपेंड करता है बेसिकली आपकी पर्सनल चॉइस पे कि आपको एक वीडियो प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है या आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है। अब बात करते हैं एफिलिएशन एंड स्पॉन्सरशिप की। तो आज के डेट में अगर मैं बोलूँ तो जो एफिलिएशन वगैरह हैं वो यूट्यूब वगैरह पे थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं जो एक्टिव हैं वो मूव हो चुके हैं वीडियो प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली यूट्यूब पे। और आपने यार एक बहुत पुरानी कहावत है कि इमेज इज़ वर्थ देन 1000 words। तो एक जो इमेज अगर आप देखते हो तो उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, और अगर वीडियो देखते हो तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। यानी कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिस पे पहले आर्टिकल्स लिखा जाया करते थे, वो सारी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे वीडियो पे मूव हो चुकी हैं। इनफैक्ट गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करते हो तो बहुत से जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे पहले 3-4 वो हो सकते हैं वीडियो से रिलेटेड आए। तो यानी कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो धीरे धीरे जो वीडियो रिलेटेड या जिस ऐसे कंटेंट है जो कि वीडियो में ज़्यादा अच्छे लगेंगे उनको प्रमोट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उसकी वजह से अगेन जो एफिलिएशन है या स्पॉन्सरशिप्स हैं वो सारी धीरे धीरे जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म पे मूव हो रही हैं। अब जो बात करते हैं कि दोनों में से किसको ग्रो करना इजी है। तो अगर मैं अपने पर्सनल बोलूं तो आई थिंक यूट्यूब को ग्रो करना थोड़ा इजी है कंपेरेटिवली ब्लॉग के। ब्लॉग को अगर एडसेंस की बात करूं तो ब्लॉग में एडसेंस लेना तो आसान है, आपको जो है विद इन 1 month एडसेंस मिल सकता है अगर आपने 10-12 अच्छे आर्टिकल लिखे हैं। लेकिन उसको जो कंसिस्टेंटली ग्रो करना, उसे पैसे अर्न करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है YouTube में। वेयर एज कि अगर आपको इनिशियली आपने वीडियो वगैरह डालनी शुरू की है तो इनिशियली आपको एडसेंस लेना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज अगेन उनका जो क्राइटेरिया है कि आपको 4000 वॉच आवर्स पूरे करने हैं प्लस 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन उसके बाद जो है बाद की जर्नी जो है वो ईजी है, ट्रैफिक वगैरह आप जो है ईजिली उस पर
ला सकते हो कंपेरेटिवली। इनफैक्ट उस पे आप अगर आप और व्यूअर्स वगैरह लाना चाहते हो तो आप एड कैंपेन्स रन कर सकते हो, जो कि कंपेरेटिवली काफ़ी चीपर है यूट्यूब पे करना। एंड अबव ऑल जो गोल्डन मंत्र है वो ये है कि यार जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करो, उसमें अगर जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ करोगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर पाओगे, बजाय कि वो चीज़ करोगे जिसमें आप सोचोगे कि पैसे ज़्यादा है और आपका इंटरेस्ट जीरो है, तो उसमें आपका ग्रो करना जो है बहुत मुश्किल होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो यार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो अगेन अंधाधुंध डिसलाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।